हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कर और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम दो बाइक का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। बाइक होने वाली है हमारी ये प्लेटिना, दोनों प्लेटिना, और इनमें खास क्या है, ये हमारी 2014 मॉडल है और ये होने वाली है हमारी 2023 मॉडल। ये तो हमने अभी ली थी डिलीवरी इसकी, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था, आपने मेरी वीडियो देखी होगी डिलीवरी वाली। और फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक छोटा सा डिटेल कंपैरिजन बताऊंगा कि हमें 2014 में क्या मिलता था और अब ये 2023 में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी आगे से लुक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें इसके वाइजर की। यहाँ पर वाइजर में एक नया बदलाव आया है। यहाँ पर ये LED, ये आपको मैं जला कर दिखाता हूँ, ये चेंज हुआ है बस, नहीं तो ये कुछ छोटा कर दिया है इसका वाइजर 2014 मॉडल से। इसमें ये LED नहीं आती, इसमें LED मिलती है। और बात करें इसकी यहाँ पर हेडलाइट भी उसकी छोटी कर दिया, थोड़ी सी हैलोजन इसमें भी मिलता है, इसमें भी हैलोजन मिलता है दोस्तों। और बात करें इंडिकेटर की, हमारी 2023 मॉडल में ये ऐसे इंडिकेटर मिलते हैं वाइट वाले, बल्ब इसमें सेम ही है। और ऐसे यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट टाइप सफ़ेद इंडिकेटर मिलते हैं। और यहाँ पर एक और प्लेटिना जाते हुए दोस्तों, और यहाँ पर हमारी इस वाली में मिलते हैं इंडिकेटर, ये रेड वाले बल्ब मैंने बताया सेम मिलते हैं। यहाँ पर ये इंडिकेटर रेड मिलते हैं। और बात करें मडगार्ड की, मडगार्ड भी 2014 के कंपैरिजन में यहाँ पर ये छोटा कर दिया है आगे से, पीछे से तो इतना ही है, पर ये दोस्तों आगे से छोटा कर दिया है। देखिए कितना पतला है यहाँ पर, इसे हाथ को लेके जाता हूँ और अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा है ये। सो दोस्तों, यहाँ पर ये आगे से तो कंपैरिजन मतलब ये इसका ऐसा कुछ बनता है कि 2014 से यहाँ पर ये छोटी की है कुछ, क्योंकि ये वाइजर भी छोटा कर दिया है इसका और यहाँ पर ये मडगार्ड भी छोटा कर दिया 2023 मॉडल का 2014 से। और बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, जब तो दोस्तों दोनों बाइक में मतलब जब तो 2014 में यहाँ पर ये डिस्क ब्रेक नहीं आता था कोई सी में भी, 125 में भी नहीं आता था। और ये तो हमारी 100cc है दोनों बाइक, इसमें भी नहीं मिलता। यहाँ पर हमारी 2023 में तो मिलने लगा है, पर ये हमारी विदाउट डिस्क वाली है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, बात करें इसकी ब्रेक की, 2013 में हमें मिलता था ये यहाँ पर, ये हमारी 2014 मॉडल है, 2014 में हमें मिलता था यहाँ पर ये सिंगल ब्रेक ऐसे। ये तो हमारा रेस वाला है, रेस का मीटर है ही वायर रेस मीटर का। और दोस्तों यहाँ पर ये ब्रेक, इसमें कुछ हमारे नई बात ऐसी मिली, यहाँ पर ये इसमें ABS मिल गया है। ये तो दोस्तों सब कंपनी का अलग अलग होता है, ये ASB मिलता है इसमें, एंटी स्कीड ब्रेकिंग। बात सेम ही होती है दोस्तों, यहाँ पर ये पिछला और अगला ब्रेक साथ में लगते हैं कि ये रिपटे ना, अगला ब्रेक मारते ही दोनों अच्छी तरह ब्रेक लगते हैं, दोनों एक साथ ब्रेक लगते हैं कि ये बाइक फिसले ना अगला टायर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लोहे का दे दिया है यहाँ पर मेटल का, और यहाँ पर इसमें रबड़ का मिलता है, दोनों के काम सेम ही है। ये वायर को रोकना यहाँ पर, इधर भी इसमें एक वायर ये अलग से तीसरा ऐड हो गया है ये पिछले ब्रेक का, इसमें दो ही मिलते हैं 2013 मॉडल में, और 14 में इसमें 2023 मॉडल में 2014 मॉडल में दो मिलते हैं, और दोस्तों 23 में ये तीन। दोस्तों मैं बहुत कन्फ्यूज हो रहा हूँ, बहुत बार इसे 2023 की वजह से इसे 2013 बोल रहा हूँ, पर दोस्तों ये हमारी 2014 मॉडल है और ये हमारी 2023, जो बहुत बार गलती हो जाए मैं इसे 2013 बोल दूँ तो आप इग्नोर कीजिएगा, आप समझ जाना। और बात करें इसके एलॉय की, एलॉय दोस्तों हमारी ये इसका स्टाइल सेम ही, लुक सेम ही मिलता है यहाँ पर इसमें अलग ये मिलता है, इसमें 2014 में यहाँ पर ये ब्लैक मिलता था, ये तो मैंने वैसे लगवा रखी है, कन्नी लगवा रखी है, यहाँ पर ये रेडियम टेप वैसे लगवा रखी है अलग से, बट ये दोस्तों ब्लैक मिलता है। और ये हमारी 2023 मॉडल में देखिए ये इसमें सिल्वर मिलने लगा है। और सोकर की यहाँ पर देखिए, सोकर भी इसमें देखिए पूरा हाथ लगाने से सोकर तो इसका साइज तो इतना ही मिलता है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर ये बस ये एड ऑन कर दिया है यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर, जो कि अब ये ट्रेंड में चल रहा है, सब बाइक को में आ रहा है, सबसे पहले बुलेट में आना शुरू हुआ था। और दोस्तों इधर ये इसमें जब तो मिलता नहीं था। और फ्रेंड्स,
बात करें आगे से तो ये हो गया टायर की। टायर तो दोस्तों सेम सा ही है कुछ कुछ, ये तो हमारी ओल्ड है ही और ये हमारा न्यू है, बट दोस्तों साइज दोनों का सेम है टायरों का। और अब चलते हैं इनके पीछे, पीछे की लुक की बात करते हैं। ये पीछे से हमारी ऐसे मिलती है। बात करें सबसे पहले इसकी टेल लाइट की, टेल लाइट दोस्तों पहले के मुकाबले पहली बड़ी मिलती थी, अब ये छोटी मिलने लगी है थोड़ी सी। ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों, ये तो मुझे वैसे लग रहा हो, पर ये थोड़ा सा फ़र्क तो है टेल लाइट में। ये 2023 मॉडल की छोटी है थोड़ी सी। और ये इंडिकेटर मैंने दिखाए थे वाइट एंड ब्लैक, ये रेड। और फ्रेंड्स नंबर प्लेट हमारी की है अब तक आई नहीं बन के, ये एजेंसी वाले बोल रहे थे कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा अब तक अभी आने में। और फ्रेंड्स ये इसके यहाँ पर ये बैठने हैं, इसका ये गार्ड मिलता है यहाँ पर। इसका दोस्तों मुझे नाम नहीं पता, मैं इसमें वीडियो में बता दूंगा क्या है। और ये इसमें बड़ा मिलता है, देखिए कितना साइज है, 3 उंगली आ गई इसमें, देखिए इसमें भी 3 सेम है तो, पर ये ज़्यादा ऊपर को उठ रहा है थोड़ा सा। और ये ऐसे है, ये इसकी वजह से छोटा लग रहा है, बट ये छोटा नहीं है फ्रेंड्स, ये सेम है दोनों के। और बात करें सीट की, सीट कवर तो ये इसमें भी अलग से लग रखा है और इसमें भी। और कम्फर्ट दोस्तों दोनों की सीटों में सेम कम्फर्ट है, पर हमारी ये वाली सीट छोटी है थोड़ी सी और ये वाली बड़ी। और फ्रेंड्स बात करें इधर, ये सबसे पहले इसकी है यहाँ पर, इसे हिंदी में तो मतलब देसी भाषा में तो पूंछ बोलते हैं, बट ये हमारी ये होती है टेल वाली, टेल का हिस्सा होती है ये भी यहाँ पर। और ये इसमें तो यहाँ पर ये छोटी मिलती है और बड़ी मिलती है, और हमारी इस वाली में ये छोटी और यहाँ पर ये लंबी कर दी, देखिए कितनी लंबी है यहाँ पर। और ये थोड़ी सी बड़ी है बट छोटी है, वैसे तो ये चौड़ी है पर छोटी है, यहाँ से आप देख सकते हैं फ़र्क। और फ्रेंड्स आए इस साइड, यहाँ पर इसमें यहाँ पर कुछ नहीं, स्टिकर कहीं का लिखा नहीं मिलता, वैसे स्टिकर है ये, और हमारी इस वाली में स्टिकर ही मिलते हैं। यहाँ पर ये 100 cc से कम बटैक देखने को मिलता है। और बात करें सबसे पहले सोकर की, सोकर भी इस वाली में मिलते हैं, 2 शेड मिलते हैं, 2 कलर वाले, टू कलर के कम्पेरे कम। सो दोस्तों इसमें ये सोकर मिलते हैं 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ, ये ऑरेंज एंड ब्लैक। और हमारी इस वाली में ये बैग हटाकर देखूंगा मैं, इसमें ये ऑरेंज, ये भी दो कलर का कॉम्बिनेशन के साथ मिलते हैं। ये दोस्तों ऑरेंज, ये दोस्तों गोल्डन एंड ये ब्लैक मिलता है। और सबसे अलग बात करें इसे फुटरेस्ट की, फुटरेस्ट में बहुत बड़ा वो है, देखिए इसमें तो कैसा मिलता था, ये नॉर्मल वाले ही। और दोस्तों इसमें ये ऐसे आने लगे हैं अब, ये इसमें यहाँ पर ये पूरा पैर टिक सकता है, देखिए। और ये तो अलग से लगवा रखा है, पर दोस्तों ये वाला ओरिजिनल है ये, वैसे तो यही वाले मिलते हैं। और अगले वाला तो सेम है फ्रेंड्स, देखिए। और ये ब्रेक वाला भी सेम है बिल्कुल, किक वगैरह और तो दोस्तों सब सेम है। और ये हमारा ये इंजन वगैरह ब्लैक मिलता है सब। और ये 2023 मॉडल में सिल्वर, ये दोस्तों है दोनों सेम, मतलब इसका कलर वगैरह ये भी ब्लैक एंड सिल्वर वाली है और ये भी ब्लैक एंड सिल्वर, बट दोस्तों ये गोल्डन एडिशन है और ये नॉर्मल गोल्डन एडिशन में। यहाँ पर ये टैंकी पे प्लेटिना भी गोल्डन में लिखा मिलता है यहाँ पर। और ये इधर ये कम्फर्ट टैग भी इधर दिखाता हूँ, गोल्डन में लिखा मिलता है, और सोकर तो गोल्डन मिलते ही हैं। और फ्रेंड्स इधर ही बात करें साइलेंसर की, साइलेंसर इसमें कितना बड़ा देखने को मिलता था 2014 में, इसमें ये छोटा कर दिया है फ्रेंड्स, देखिए। और सबसे बड़ी बात इसमें तो ये इधर, इसमें 2013 मॉडल में तो ये, 2014 मॉडल में तो ये इधर जॉइंट है इसका राइट हैंड साइड, और इसमें लेफ्ट में जुड़ता है, देखिए आप देख सकते हैं इधर फ्रेंड्स। और इसके बात करें लेग गार्ड की, देखिए इसमें कितना सा मिलता है और इसमें कितना बड़ा देखने को मिलता है। और ये दोस्तों ओरन तो अलग से लगवा रखा है, बट ओरिजिनल ये वाला ओरन मिलता है, इसमें भी ओरन यहाँ पर मिलता था, यहाँ पर ये टूट गया है यहाँ से, या पत्ती टूट रखी है यहाँ से। और दोस्तों अब तो ओरन यहाँ पर लगा कर देते हैं साइड में, जब देखो अंदर देखने को मिलता था, क्योंकि पहले स्पेस मिलता था, अभी ये स्पेस बहुत कम हो गया है इसमें से, स्पेस नहीं अंदर लगाने का, तो ये बाहर ही लगा रखा है। ये इसकी यहाँ पर ये पत्ती पैंच लगा रखा है इसमें। और फ्रेंड्स
इन दोनों प्लेटिना की, इंजन भी सेम है वैसे तो, और ये भागेंगे भी मतलब टॉप स्पीड ही सेम ही होगी क्योंकि जब 100 cc है दोनों तो सेम ही चलेंगे। और ये माइलेज में बहुत फास्ट लाए इनके, हमारी ये वाली तो 70-75 देती है, 70-75 के एम पी एल का, और ये वाली देती है हमने, हमारी देती है ये वाली 60-65 के एम पी एल, मतलब किलोमीटर पर लीटर, 65 किलोमीटर पर लीटर। और दोस्तों इसके सबसे पहले ये अब बात करें इसके यहाँ पर मीटर की, मीटर की दोस्तों ये यहाँ पर मीटर में सबसे अलग बहुत दोस्तों अब बात करें मीटर की, मीटर में इसके काफ़ी चेंजेस आए हैं। देखिए इधर ये मीटर देखिए ध्यान से, देखिए इधर ये तो ये ओल्ड स्कूल मिलता है और यहाँ पर ये न्यू कर दिया है, न्यू मॉडल न्यू शेप में, पर दोस्तों ये डिजिटल देख रहे हो नहीं मिलता, पर फिर भी इसकी लुक बहुत अच्छी है पहले वाले से तो यहाँ पर, और इसमें फीचर भी एड ऑन कर दिए हैं, यहाँ पर ये इंजन लाइट भी दिखाता है, बट ये यही फ़र्क है बस, इंजन लाइट दिखाता है इसमें क्योंकि ये ओल्ड मॉडल है, इस वाले में दिखाता है यहाँ पर, ये यहाँ पर इंजन लाइट दिखाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये नहीं तो मीटर में ये सिल्वर ही है हमारा, और ये वाला भी हमारा ये ब्लैक है, ब्लैक एंड सिल्वर, यहाँ पर ये सिल्वर इसकी कन्नी देखने को मिलती है, इस पर बॉर्डर सिल्वर और इस पर ब्लैक ही देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स इनकी चाबी का कंपेरिजन करें, देखिए ये की तो सेम है बिल्कुल, बट ये हमारी दो हमारी ये है हमारी 2023 मॉडल की, और ये है 2014 मॉडल की, ये वाली इसके मुकाबले बड़ी है थोड़ी सी, ये छोटी, वैसे तो इसमें भी यही आती बट ये अलग से लोग लगवा रखा है मिंडा का, सो फ्रेंड्स मिंडा के लोग में अलग से बड़ी बड़ी मिलती है चाबी। और फ्रेंड्स ये नहीं तो ये भी सब सेम मिलते हैं भाई, इसमें एक स्विच अलग से मिलता है ये वाला, इसमें ये अलग से मिलता है ये वाला, देखिए इसमें यहाँ पर ये सेल्फ मिलता है, हमारी ये इस बारी में नहीं मिलता सेल्फ, ये 2014 में नहीं मिलता था जब तो ये बस 125 cc वाली प्लेटिन आती थी उसमें मिलता था, और ये नहीं तो सब सेम है हॉर्न वाला ये, बस फ्रेंड्स फ़र्क इतना है देखिए। और हैंडल का बताऊँ मैं आपको, हैंडल तो इसमें सेम ही मिलता है, कोई सा छोटा बड़ा नहीं है, वैसे तो हम इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं इसे, यहाँ पर ये पैंच खोलकर इसे थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, और इसे भी वो तो अपनी मर्जी के ऊपर है कि कौन कैसी चलाता है। बात करें इनके टैंक कैपेसिटी की, टैंक तो दोस्तों इसमें भी हमारे 11 लीटर मिलता है 2023 में, और हमारी इस वाली में 2014 में भी ये 11 लीटर का ही मिलता है। सॉरी फ्रेंड्स मैं बहुत बार गलती हो जाती है बोलने में, सो फ्रेंड्स देखिए इसमें भी 11 लीटर का मिलता है। और ये इसके यहाँ पर मिरर हमारी वाली में लग नहीं रखे, हटा रखे हैं, और इस वाली में मिरर हैं, मिरर इस वाली में अच्छे आते हैं, पहले तो ये छोटे छोटे आते थे उस वाली में तो, और ये इसमें लुक भी इनका ऐसे यहाँ पर चोंच टाइप कर दिया है, देखिए ऐसा अच्छा लुक मिलता है इसमें। और फ्रेंड्स और यहाँ पर ये साइड के ये दिखाने रह गए हैं, इस वाली में तो यहाँ पर ये दोस्तों ये अलग से मिलता था, इसको हम ये चाबी से खोल सकते हैं, मैं दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर ये चाबी लगा कर ये निकल जाता है, यहाँ पर ये बैटरी, पर दोस्तों इसको नहीं खोल सकते हम, देखिए इसमें यहाँ पर ये लगाता है, ये इसका हिस्सा है इस वाले का ही, देखिए इसमें चाबी से खोलने का नहीं ऑप्शन नहीं मिलता इसमें। और बात करेंगे वाले बॉक्स की, ये वाला तो खुल जाएगा चाबी से, और इधर की साइड इसमें इधर ये पैंच वाला मिलता है, इधर चाबी नहीं लगती उस वाले में लगती है, क्योंकि हमारी इस वाली में बैटरी, हाँ ये चेंज भी किया है इसमें 2023 मॉडल में, तो बैटरी इधर राइट की साइड मिलने लगी है इस वाले बॉक्स में, और ये हमारी 2014 मॉडल में मिलती है इस साइड, देखिए इस साइड मिलती थी। और दोस्तों लास्ट में इनकी मैं आपको आवाज़ चेक करा देता हूँ कैसी कुछ आवाज़ मिलती है इनकी साइलेंसर, क्योंकि इसमें छोटा साइलेंसर मिलता है और इसमें बड़ा मिलता है। ये तो हमारी सेल्फ स्टार्ट है, ये तो ऐसे स्टार्ट हो जाएगी एकदम, देखिए इनकी कैसी आवाज़, ये तो हमारी साइलेंसर देखने को मिलती है।
और बात करें इस वाली की, वो तो काफ़ी साइलेंट है, प्लेटिना वैसे साइलेंट की उससे ज़्यादा जानी जाती है, ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करता इनका एग्जॉस्ट साइलेंसर। बट देखते हैं कि 2023-14 से लगा के और हमारी 2023 तक कि कितनी साउंड में फ़र्क आया है, साइलेंट ज़्यादा साइलेंट की है क्या इंजन वगैरह, साइलेंट वही साइलेंसर और एग्जॉस्ट। तो फैन देखिए इसकी आवाज़ कुछ ऐसी, ऐसे कुछ इसके हॉर्न की साउंड है। तो फ्रेंड्स हॉर्न की साउंड ये ऐसा उसे हॉर्न, और इसके हॉर्न की साउंड सुनाऊंगा आपको, ये छोटे वाले की इसकी सुनाऊंगा। और दोस्त ऐसा कुछ इसका कंपेरिजन था इनका।